है ये तस्वीर, आप देखिए, हॉस्पिटल पीछे कॉलेज, और ये कोई ब्रिक्स की ईंटों की, जो सीमेंट के ईंटे बनते ईंट बनती हैं, उनकी कोई फैक्ट्री है। और पीछे देखिए, जहां तक आपको नजर आपकी नजर जाएगी, सिर्फ पानी और सैलाब आपको नजर आएगा। आप हॉस्पिटल में हैं? नहीं, मैं कॉलेज में हूँ, डॉक्टर जी ए मानसाड़ी, प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अच्छा, जो पीछे कॉलेज दिख रहा है उसके प्रिंसिपल हैं आप। या या तो ये कितने समय तक पानी में डूबा रहता है कॉलेज? अभी तो ये 17, 18 या 19 तारीख से है बाढ़, तब से अभी तक है। लेकिन सामान्य रूप से 10-15 दिन जब बाढ़ का समय आता है तो 10 से 15, अभी तो पढ़ाई बंद होगी। हाँ, क्लासेस सस्पेंड है, लेकिन जब आवश्यकता होती है, जैसे आज हमें आवश्यकता थी, यूनिवर्सिटी को कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना था, तो हम लोग आए थे आज। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज़, दरभंगा। देश के कई इलाकों में बस्तियां पानी से घिरी हैं, घरों में पानी जा घुसा है, कहीं मवेशी पानी की तेज धार में बह रहे हैं तो कहीं इंसानों की जान दांव पर लगी है। कुल मिलाकर बरसात के इस मौसम में हाहाकार मचा है।